हाय शार्क्स, साउथ में एक कहावत है, सूडा स्ट्रांगा और फिल्टर कॉफियों न्यूज़पेपरों इल्लामा और नाले तोड़ंगीना मारी इरका दिन सुलवांगे। ओहो, कुछ ऐसा ही सिचुएशन था मेरे घर में भी। पिक्चर दिस, सुबह 5 बजे रेडियो पे सॉफ्ट कर्नाटिक म्यूजिक चल रहा है। नाइस। पार्टी माय दादी किचन में है और घर का ऑथेंटिक फ्लेवरफुल स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक फिल्टर कॉफी बना रही है। यही अरोमा से हम सब उठते थे और दिन को शुरुआत करते थे। दादा हैड अ वियर्ड हैबिट। मैं दादा एक बड़े फ्लास्क में पूरा फिल्टर कॉफी भर के ब्रेकफास्ट तक एंजॉय करता था और यही प्रैक्टिस वापस शाम को भी शुरू होता है 4 बजे, बट दिस टाइम with party's wonderfully flavorful homemade snacks. मैं हूँ जीडी प्रसाद, मैं हूँ यशस और मैं हूँ राहुल बजाज, and we are VS Mani and Co. from Namaruru, Bengaluru. कॉफी और नमकीन के तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, लेकिन साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी और स्नैक्स के लिए हमें लोकल रेस्टोरेंट या ब्रांड्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन VS Mani and Co. is here to change that. हमारे प्रोडक्ट में रेंज में आपको मिलेगा साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी और पार्टी की ट्रेडिशनल रेसिपी से बनाए हुए स्नैक्स जैसे मुरकू, बनाना चिप्स, पीनट चिक्की और पुडिंग्स। हमारे प्रोडक्ट्स हमारे वेबसाइट, Amazon, क्विक कॉमर्स एंड सुपरमार्केट्स में अवेलेबल है। हमारा विजन यही है कि VS Mani & Co. को एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑथेंटिक साउथ इंडियन कॉफी और स्नैक्स ब्रांड बनाना। Sharks, हमारा आस्क है 60 lakhs in exchange for 1.5% of our company. So Sharks, coffee sabar lama. Can we sample some VS Mani delicacies, please? Yeah, sure, sure. Yes, please. While Rahul and Yashas are preparing the samples, मैं explain करूँगा हमारा hero product के बारे में। मैंने बोला ना party kitchen में she was making aromatic filter coffee. वही filter coffee decoction हम लेके आए हैं इस bottle में। In the south we love our chicory and वो chicory के blend के साथ मिलता है the authentic South Indian filter coffee flavor. Coffee नहीं? Coffee आ रहा है। आप coffee नहीं चखाने वाले हैं? आ रहा है, आ रहा है। Because coffee filter coffee is my favorite और मैं चख के बता सकती हूँ। We are actually sampling the snacks and Rahul's making the coffee. Oh, he's making some. Yes, yes. Nice. अच्छा decoction क्या होता है ये भी बता दीजिए। Filter coffee beans को grind करके एक container में डालना पड़ेगा। वो कंटेनर में हॉट वाटर डाल के उसको पर्कुलेट डाउन करना पड़ेगा द फिल्टर कॉफी डिकॉक्शन। ये है फिल्टर कॉफी का एक्सट्रैक्ट, दूध और चीनी डाल के हम एंजॉय करते हैं। Oh, this is really good. Thank you so much. Very nice. Excellent, outstanding. Thank you so much. स्नैक्स के बारे में बात करें तो चिप्स बहुत ही पतले और बढ़िया लगे, मेरे को स्पेशल लग रहे हैं। Thank you so much. Fantastic. ये जो आपने पहना है ये लुंगी होती है ना? नहीं, इसको तमिल में वेस्टी बोलते हैं। लुंगी वाला तो is the checked one. तो आप ऑफिस ऐसे ही जाते हैं? नहीं, ऑफिस शॉर्ट्स में जाते हैं। ऑफिस शॉर्ट्स में जाते हैं। देखिए बात आगे बढ़े उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। I'm an investor in this company. लेकिन मैं इनसे कभी मिला नहीं, तो आपसे बात हुई है। ठीक है, मतलब अनुपम आप इन्वेस्ट करके मिलते नहीं हो कंपनी से, इसका मतलब ये हुआ मिलने से पहले इन्वेस्ट कर देना। कितने इन्वेस्टमेंट पे आए थे आप? वैल्यूएशन क्या था? तो आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस, कर दिया लेकिन दुर्भाग्य इनका होगा, दुर्भाग्य ऑडियंस का भी होगा, क्योंकि अभी नंबर 1 शार्क को यहाँ से निकलना पड़ेगा। थैंक यू अनुपम, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, We'll miss you, bro. आज अपने को बोलने का काफी मौका मिलने वाला है। All right. आओ सर आओ, welcome. आएगा, welcome. To watch from outside, this is a treat I've been looking forward to. आओ सर। पहले शुरुआत करते हैं, आप कैसे मिले, आपको क्यों ये आइडिया आया? हम तीनों मिले काम पे at Dentsu Webchutney, India's leading creative agency. Very nice. Day in and day out, इतना सारा brands पे हम काम कर रहे हैं at Webchutney. That thought did come. क्यों हम for our own self कुछ ब्रांड में काम नहीं कर सकते? And we gravitated towards what we knew best. अगर हम साउथ में हैं तो any shop we'll have some condiments, snacks, नहीं तो coffee. But even in Bombay, हम actually 3 दिन इधर है, हमको 1 दिन भी नहीं मिला कुछ अच्छा सा true filter coffee. दिल्ली में भी नहीं मिलता है. Yes, तो हमने सोचा let's take this and pass it on to the world क्योंकि हमारा diaspora are well distributed. They miss this tradition and flavor. तो इसलिए 2020 में VS Mani & Co. को शुरू किया. आप तो तमिलियन हैं, लेकिन ये दोनों अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से हैं, तो आपके लिए कैसी ये लव जागा फॉर द एथनिक फूड? हम दोनों बॉर्न एंड बॉटम बैंगलोर में ही हैं, so I'm more of a South Indian over there. Okay. आप तीनों ने क्या पढ़ाई की है? मैंने मास्टर्स इन मार्केटिंग फ्रॉम लंदन की है. अच्छा. मैंने मास्टर्स इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग फ्रॉम कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी. मैंने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पढ़ा है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से. आपकी इक्विटी स्प्लिट क्या है तीनों में? I have 45. ये दोनों के पास 14-14. बाकी का है 21% है एंजल राउंड. अनुपम के पास इतनी ज़्यादा ले गए. सुन रहे हो अनुपम भाई. And designations? I operate as the CEO and Yashas operates as the head of growth. Okay. And Rahul देखता है operations के बारे में पूरा. अभी आपके कौन-कौन सी categories हैं? Coffee and snacks. वही है हमारा focus. तो अभी इन दोनों में कैसे divided है business? कॉफी से अप्रॉक्सीमेटली 55-60% रेवेन्यू उधर से आता है, 40% स्नैक्स से आता है, एंड स्नैक्स हमने मई में लॉन्च किया है. Till the time we actually took the funds, we never had the decoction. सिर्फ instant coffee powder था, and that was the hero product. But August 15th when we launched that, we now sell 10,000 units of that. I think we sell even more. So we sell about 19,000 units last month simply from that one product. आपकी सेल्स कितनी रही है फ्रॉम द डे यू स्टार्टेड? सो जून 29, 2020 में हमने स्टार्ट किया है. ऑल ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर सिर्फ 15 लाख का था हमारा पूरा टर्नओवर. अच्छा. 21 to 22 we did 1.2 CR. 22 till now we have crossed almost 2 CR. इस साल हमारा टारगेट है 7.5 CR. That's what we are working towards. अभी हमारा रेवेन्यू है 63 लाख फ्रॉम लास्ट मंथ सितंबर. ठीक है. आपके कस्टमर्स कौन है? आपका डिफरेंशिएशन कौन है? आप किस मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं प्राइस वाइज, कस्टमर प्रोफाइल वाइज? हमारा कस्टमर्स आता है फ्रॉम बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली एनसीआर इन दिस ऑर्डर. बॉम्बे इज नंबर 1. बॉम्बे इज नंबर 1. अच्छा. तो अपना साउथ साइड पे पेनिट्रेशन हायर क्यों नहीं है अगर अपना टेस्ट बहुत ऑथेंटिक है? बढ़िया. साउथ साइड में तो इतना ऑप्शंस है ना सर. घर जाके यू विल फाइंड 2-3 ऑप्शंस. पर GD other than Bombay, rest of India, especially North में ये टेस्ट का adoption अच्छा हुआ है. अच्छा है. दिल्ली NCR for example. दिल्ली में कितना परसेंटेज है? 16%. ठीक है. आपके पास कोई सैंपल्स हैं ब्रांडिंग के जो हम चेक कर सकते हैं? मैं दिखाता हूँ. 220 ml का बॉटल है ये. 220 ml we sell it for 145 rupees. कितने कप कॉफी बनेगा उसमें? Approximately you can make about 10 to 12 cups of coffee. 15 रुपए कप मान लेते हैं. Compared to normal filter coffees का क्या प्राइसिंग है? ये प्रीमियम प्रोडक्ट है. On an average हमारा प्राइसिंग 25% to 30% higher than competition ही है. We have actually made a price correction as far as the decoction is concerned क्योंकि हमारा फोकस अभी ऑनलाइन से ऑफलाइन चल रहा है. कोई करेगा कि नहीं ऑफर? हाँ सर हो जाएगा. अभी मैंने इन्वेस्ट किया तो ऑफर तो होने ही वाला है. वो तो होएगा ही होएगा. तो आप पैसे कितना बना रहे हो? Before the fundraise थोड़ा प्रॉफिट था, समथिंग इन द रीजन ऑफ अ कपल ऑफ लैक्स. हम अभी ऑन अ मंथली बेसिस रफली 20 to 25 लैक्स बर्न कर रहे हैं. Wow. At 60 lakhs, 25 lakhs burned. Yeah. Oh, that's a lot. क्या आपने वैल्यू किया आपके कंपनी को 40 करोड़? या. तो अगर आप आपकी FY22 सेल्स देखेंगे, वो है 1.2 करोड़. तो 25 लाख करंट कैश बर्न, 1.2 करोड़ प्रायर ईयर सेल्स पे आपको 40 करोड़ आप कैसे मांग रहे हैं? आपका प्रीवियस फंडरेज क्या था? कब था और क्या वैल्यूएशन पे था? प्रीवियस फंडरेज का कॉन्वर्जेशंस हमने लास्ट ईयर सितंबर नवंबर में शुरू किया. उस टाइम पे हमने वैल्यूएशन फिक्स किया प्री मनी ऑफ 15 सीआर. द 21% दैट वी गिव अप पूरा इन्वेस्टर्स वही वैल्यूएशन पे आए. ये पूरा राउंड एक्चुअली मार्च में ही खत्म हुआ है. सो वी टुक अबाउट 3.96 सीआर इन टोटल एंड पूरा पैसा हमको जून में मिला है. एक बार बताएंगे खर्चे क्या क्या एक बार फटाफट? 25 लाख इन प्रोडक्ट कॉस्ट, देन अनदर 33 लाख इन मार्केटिंग. 58 लाख हो गया. Then we have 5 lakhs in salaries, 7.5 lakhs in shipping, and the rest is just admin expenses. There is something not right. when we were advertising before this, हमारा budget था the ratio of 1:3. 1:3 मतलब? 10 rupees of advertising gave us 30 rupees of revenue on Shopify. जब भी हमने देखा April May में that this ratio is dropping, we started the conversations for offline retail as well. नहीं, मैं online खत्म. अब online पे focus नहीं कर रहा. नहीं, online पे अभी भी 85% of our revenue comes from online, but we needed to act early. तो अगर मैं Amazon पे गया या Flipkart या Big Basket कहीं भी गया और मैंने वहाँ डाला filter coffee, आप लोग क्यों नहीं देखे? Actually, essentially just started only in June. आपको कैसा लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो, खराब कर रहे हो, marketing कैसा चल रहा है आपका? अभी किसी को भी हम जाके बोलेंगे तो have you heard about us? कभी ना कभी तो they have seen the ad. मैंने तो नहीं देखा है अभी. मैंने भी नहीं देखा. मुझे तो चैलेंज यही लग रहा है कि आप बिजनेस बनाना चाहते हो, राइट? आपका जो रूट्स है ना, वो एक मार्केटिंग से शुरू हुआ है, करेक्ट? और आप अभी भी मार्केटिंग में ही घुसे हुए हो, बट इवेंचुअली तो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, करेक्ट? कंपनी में हीरो मार्केटिंग नहीं हो सकता, इट हैज टू बी प्रोडक्ट. अभी आज मैं इससे बाहर हूँ बिकॉज आई थिंक अभी आप ओवर थिंक कर रहे हैं एंड यू नीड टू गेट बैक ऑन ट्रैक. कितने का आपका ESP ऑर्डर वैल्यू क्या है? एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज 550 रुपीस. 10,000 के अराउंड कस्टमर ऑर्डर करते हैं आपसे. आपके नंबर्स के बेसिस पे समझ में आया मेरे को. यस. इसमें से रिपीट कितने? कॉफी में 30% रिपीट है. 3,000 रिपीट है आपके. 7,000 कस्टमर आप लाते हो मार्केटिंग करके. रिपीट ऑर्डर्स में दिखता है वो नॉर्मली. वो आ नहीं रहे तो ऑब्वियसली कोई तो इशू है प्रोडक्ट में. मैं फाउंडर्स में इन्वेस्ट करता हूँ नॉर्मली, और कॉज आपका बहुत अच्छा था क्योंकि मैं क्या इंडिया में अगर कोई छुपा हुआ खजाना हो, बाहर जा रहा हो, तो मैं उस पर डेफिनेटली इन्वेस्ट करता हूँ. पर इस केस में क्या है, मेरे को वो छुपा हुआ खजाना जो प्रोडक्ट के अंदर होता है वो नहीं मिल रहा. मुझे लगता है एक चीज अपने को शायद हिट बैक करिए रादर. पैसा क्योंकि जल्दी मिल गया, 3.9 करोड़ आपने रेस कर लिया अभी तक, तो मुझे ये लगा कहीं ना कहीं इस पैसे ने अपने को ना इनोवेशन नहीं करने दी. आज मैं बाहर होने जाऊंगा इस इन वजहों से, पर आप लोगों से मिलकर बहुत मजा आया. थैंक यू. थैंक्स. अभी मुझे लगता है कि मुझे टैंक से निकल के नहीं आना चाहिए. वहीं पर चुपचाप बैठ के मैं एक दो चीज तो शायद बोल देता कि भाई कर सकते अगले साल के इतनी बता दे सेल्स. नॉट टू इन्फ्लुएंस देम, बट एटलीस्ट भाई तुम भूल गए हो नर्वसनेस में, ये हो गया, बताओ. सीड द कॉन्वर्सेशन. आपको खुद लगता है कि कहीं बिजनेस मॉडल इज नॉट गेटिंग राइट? आपको इतने अच्छे इन्वेस्टर्स मिले हुए. अनुपम इज अ गुड इन्वेस्टर. हम लोग सब उनसे सीखते हैं. तो आप उनसे मिले क्यों नहीं सीखने के लिए बिजनेस के बारे में और ये सब? We keep talking on a regular basis. Anupam का यही opinion है that we are burning a lot. The decision to say marketplaces, and marketplaces में अभी मैं include कर रहा हूँ ये quick commerce, quick grocery segment को, क्योंकि उधर हमारा visibility बढ़ जाएगा, more people will discover us, और अभी everybody wants everything instant. तो इसलिए हमारा focus primarily उधर होगा, और in a market like Bangalore and Bombay, retail. मैं अभी out हूँ boss. जैसे snacks के बारे में हमने बहुत कम बोला है. और आपने पूरी पिच में इट वाज मोर अबाउट द कॉफी. दैट इज अ गुड थिंग, बट अभी कॉफी को किसी एक दो चैनल में पकड़ के फोड़ डालो. दैट इज माय सजेशन टू यू गाइस. आई विल गिव यू एन ऑफर. सो फॉर माय लव ऑफ फिल्टर कॉफी. थैंक यू. आई एक्चुअली लव फिल्टर कॉफी. मुझे आपकी स्टोरी भी वो बहुत पसंद है, स्पेशली के आप साउथ इंडियन नहीं है बट यू हैव अ लव फॉर साउथ इंडियन फूड. मैं खुद का बता सकती हूँ, मैं गुजराती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पली बड़ी हूँ, आई कंसिडर माई सेल्फ मोर महाराष्ट्रियन, सो आई कैन रिलेट टू दैट. बट एनीवे, आई थिंक कि आपका कैश बर्न बहुत हाई है. तो मैं आपको वैल्यूएशन दूंगी आपके प्रीवियस फंड रेज पे. वो भी मुझे हाई लगता है, 15 करोड़ फॉर अ 1.2 करोड़ सेल्स. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. बट हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए प्रायर राउंड की. सो आई विल गिव यू 15 लाख फॉर 1% equity. And 45 lakh debt at 10% interest rate. Can we have a minute, please? Yes. Sure. Yes. आपको पता है ना अनुपम इन्वेस्टर है. Why don't we just take the debt at 5%? आपको क्या लगता है सर, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करेंगे क्योंकि वो लोअर हो गया ना वैल्यूएशन, तो इनके ऊपर एंटी डाइल्यूशन लग जाएगा, तो सारे शेयर होल्डर को और शेयर देने पड़ेंगे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. थैंक यू नमिता फॉर योर ऑफर. आई एग्री, बिजनेस तो इट इज बर्निंग मनी, बट आई थिंक वी नीड टू कंसिडर अ वैल्यूएशन दैट जस्ट एक्नॉलेजेस द जर्नी दैट वी हैव बीन ऑन. So even if you are able to come in at the post-money valuation, which is 19 lakhs at 1%, I think it's a fair. It's fair also. With the rest as debt, that will be great. Chalo karte hain. Let's do it. Let's do it for the love of South India and for the love of filter coffee. Thank you so much. Very nice. But now let's get the sales. Yeah. Yes. We hope we'll also do you guys proud. Yeah, you will. And let's make some profit. Yeah, for sure. Profit is most important. Yeah. Chaliye, kya baat hai? Super Shark is also back. Hey, bhago. Arey, tu kahan se aa gaya? Super Shark is back. आप चाहिए मत, मुझे एक मिनट आपको एक फीडबैक देना था। नमिता ने शुरू में एक बात कही जिसने आपकी पूरी पिच को डिस्ट्रॉय कर दिया एक तरीके से, एंड इन हर फेवर। इन्होंने शुरू में कहा कि 1.25 करोड़ का सेल है, उस पर आप मल्टीपल मांग रहे हो, कैसे हो सकता है इतना वैल्यूएशन। वहां से आप वापस नहीं आ पाए। अगर आप रिस्पॉन्ड करते कि वो इररिलेवेंट है नमिता, क्योंकि अगले साल हमारा सेल होने वाला है 25 करोड़, राइट, वो नैरेटिव पूरा टैंक में बदल जाता है। गाइस, You got it wrong. आपको पिच देना चाहिए था, हम बनाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी फिल्टर कॉफी कंपनी। विजन नहीं बता पाए। आपको शुरू में ही आके कन्फेस कर देना चाहिए था कि हम जानते हैं हमारा बर्न आज ज्यादा है, हमारा स्ट्रेंथ नहीं है इंस्टाग्राम में, हमने ब्रांडिंग में पैसा खर्च किया है, पर ये हमेशा ऐसे नहीं रहने वाला, हमारे बिजनेस का मार्जिन है अच्छा। तो आप देखते आपको मिलता 30 करोड़ और 4 डील। यू हैव टू सेल द फ्यूचर। कांग्रेचुलेशंस। You got a great deal. You got a great shark. Don't listen to them. Thanks. मेरी तो सुननी पड़ेगी। तेरी तो choice ही नहीं है। और इनकी भी, नमिता की भी। Shark Tank India Season 2 में आगे आ रहे हैं ऐसे entrepreneurs जो है अद्भुत और अनोखे। Are you ready? I was born ready. Introducing new Fini. आपके ब्रेन का स्मार्ट वॉच। भारत जो है ना, पूरा बदलने वाला है बहुत। हमारी कंपनी सबसे बड़ी कंज्यूमर 3D प्रिंटिंग ब्रांड है इंडिया में। तिपाई एक ऐसी वुडन बैलेंस बाइक है जिसमें पेडल्स और ब्रेक्स इंटेंशनली नहीं होते हैं। रूमीज एक ऐसा टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपने घर के लिए एक हाउस हेल्प, कुक, बेबीसिटर या ऑलराउंडर बुक कर सकते हैं। जीनी इंडिया का कॉस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। गाँव से हो या शहर से, 20 साल के हो या 70 साल के, हौसला, मेहनत और जज्बा सभी का अटूट है। मेरा नाम है पाबी बेन रबारी, मैं कच्छ गुजरात के भादरोई छोटे से गांव से हूँ। अमेजिंग। मैं अभी 18 साल का हूँ। सच में नए भारत के उभरते चेहरे। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि लोग 60 साल में रिटायर कर जाते हैं, आप 85 में। मैं उसको यही जवाब दिया कि मैंने अपनी डिक्शनरी से रिटायरमेंट से डिलीट कर दिया। बहुत हेल्थ केयर, खिलौने, लाउंज वेयर, ईवी, ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जो इस सीजन में ना हो। मेडिलेंस अपनी हेल्पलाइन और बैकएंड पे टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ ऑन एन एवरेज 20 मिनट में एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है। बहुत ही अच्छा कॉज चुना है आपने। इजी योर एवरीडे कार, इंडियाज फर्स्ट 2-सीटर फुल्ली इलेक्ट्रिक स्मार्ट माइक्रो कार। भाई दाद देनी पड़ेगी, काफी रेवोल्यूशनरी काम है। हम पैड केयर में एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इकोसिस्टम लेके आए हैं, उससे महिलाओं को एक डिग्निफाइड तरीके से पैड डिस्पोजल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे स्टार्टअप्स देख के मजा आ गया। आई डोंट थिंक किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि 26 साल का लड़का आज इतना शार्क्स को हिला देने वाला है। मतलब सच में भारत बदल रहा है। हैट्स ऑफ। 1 चाहिए, 1.25 चाहिए, 1.5 चाहिए, 2 चाहिए, 2.5 चाहिए, जो आप लोगे वो दे दो आपकी वैल्यूएशन। अनेक शहर, अनेक एंटरप्रेन्योर्स, अनेक बिजनेसेस, एक शो, शार्क टैंक इंडिया। शार्क्स, जस्ट इमेजिन, आप सुबह सुबह पूरा तैयार होकर निकलते हो ऑफिस के लिए अपने बाइक पे, पर अचानक से रास्ते में बारिश गिरना चालू हो गई और आपको मजबूरन बाइक को साइड में रोक के बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ता है, और इस चक्कर में आप ऑफिस के लिए लेट हो जाते हो और फिर बाद में बॉस से डांट खाते हो। अब ऐसी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब सफल हो आपके साथ तो ऐसे टेंशन की क्या बात। तो शार्क्स में हूँ विदय अद्देपल्ली फ्रॉम हैदराबाद और मैं कश्यप हैदराबाद से और हम हैं सैपल के फाउंडर्स। सैपल दुनिया का सबसे पहला मोटरसाइकिल कैनोपी है जो कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना मोटरसाइकिल के ऊपर फिक्स कर सकता है। इसकी ऊपर की कैनोपी और सामने वाली विंडस्क्रीन उस राइडर और उसके पूरी परिवार को तेज धूप, बारिश, ठंडी हवा, इधर तक कि धूल और प्रदूषण से भी पूरी तरह से बचाती है। ये इतना स्ट्रांगली बिल्ट है, इसको लगा के चाहे आप 100 के ऊपर स्पीड में भी चला ले या बहुत खराब वाली रोड में भी चला ले, ये अच्छी तरह से टिकी हुई रहती है। और सैपल्स को लगाते ही आपका बाइक पूरा स्मार्ट बन जाती है। इसके साथ आने वाली ऐप और बटन्स के जरिए आप GPS नेविगेशन, कॉल आंसरिंग, म्यूजिक स्ट्रीमिंग जैसे फंक्शनलिटीज भी आप एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बाइक चलाते टाइम पे भी। करंटली सैपल को हमारे देश के 25 स्टेट्स के लोग यूज कर रहे हैं। चलते चलते हमने सैपल को बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज जैसे कि UK, US, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज को भी इसको शिफ्ट कर चुके हैं। इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम सैपल की एक मास मैन्युफैक्चरिंग की इंतजाम करने वाले हैं और आगे जाके सैपल की एक स्कूटर वर्जन को भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो हमारा विजन ये है कि हम सिर्फ इंडिया के नहीं बट पूरी दुनिया का बाइक राइडिंग एक्सपीरियंस को बदलना चाहते हैं। और आज हमारा आस्क है 50 लाख फॉर 1% इक्विटी इन आवर कंपनी। एंड शार्क्स, एंजॉय कीजिए अपनी बाइक राइड की हर पल विद सैपल। तो विदय एंड कश्यप, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। तो पूरे विश्व में किसी ने आज तक पहले इसके बारे में नहीं सोचा, मतलब इंजीनियर्ड सॉल्यूशन तो नहीं है, जुगाड़ तो काफी सारे हैं। मैंने बहुत देखा है चाइना में, ये हमने भी देखा। एक टेंट टाइप बन जाता है जो आके बांध देते, पीछे बांध देते और वो लगा कि आप 30 किलोमीटर के ऊपर तो स्पीड पे जा ही नहीं सकते। तो आपने कैसे सोचा इस बारे में? एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड में IIT बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग किया था विद ऑनर्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और मुझे IIT के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पे एडमिशन भी मिल गई थी और उस टाइम मेरा फाइनल सेमेस्टर था और एक बार एडमिशन मिल गए तो ज़्यादा कुछ काम नहीं था और मैंने सोचा अपना फ्री टाइम से अपना इंजीनियरिंग स्किल्स यूज़ करके खुद के लिए कुछ बना दूँ। कैंपस पे मेरे पास साइकिल होता तो वो कभी यूज़ नहीं कर पाता था क्योंकि मुंबई में कभी भी बारिश हो जाती है और ऐसा बहुत इंस्टेंसेस हुए जो मैं क्लासेस को पूरा गीले कपड़े में अटेंड करना पड़ा और मैं मैकेनिकल लैब जाके ऐसा टिंकरिंग करके मैंने साइकिल के लिए एक कॉन्ट्रैप्शन बना दिया। एंड तब मैंने सोचा कि सेम सोल्यूशन अगर हम टू व्हीलर्स को भी एक्सटेंड कर सकते हैं तब हम सच में एक इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले होंगे। तो हमने सोचा कि स्टैनफोर्ड को देख लेंगे बाद में। कौन से ईयर में सोचा आपने? ये 2016-17। पर स्टैनफोर्ड में एडमिशन पहली बात तो मिलता इतनी मुश्किल से है, फिर भी आपने डिसीजन लिया कि नहीं मैं स्टैनफोर्ड बाद में चला जाऊंगा। उस टाइम पे मैं इस प्रॉब्लम से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो गया था कि मैंने सोचा अगर स्टैनफोर्ड नहीं तो कहीं और चले जाएंगे, ऑप्शंस तो काफ़ी रहेंगे, पर अगर इस टाइम पे मैं अगर लीप नहीं लूँगा, मेरा इंजीनियरिंग तो कुछ करूँगा नहीं तो मैं बाद में रिग्रेट करूँगा। मैंने सोचा अटेम्प्ट तो करना ही है मुझे। पर पेरेंट्स मान गए? पेरेंट्स को थोड़ा मुश्किल से मानना पड़ा। यूजुअली इस उम्र में लोग ऐसे सोचते नहीं है। पर भाई ये बताइए आप लोग का रिश्ता क्या है? तो हम दोनों भाई है। मैं डिज़ाइन स्टूडेंट हूँ, मैं आर्किटेक्चर किया पुणे में और UK में पैरामेट्रिक डिज़ाइन में मास्टर्स करके हैदराबाद वापस आया, हमारा डिज़ाइन स्टूडियो एस्टैब्लिश किया। पर मैंने देखा कि ये मार्केट है, ये प्रॉब्लम है कि इस पर मैं बहुत कनेक्ट हो गया। तो फिर हमको ये लगा कि जो कॉम्बिनेशन है डिज़ाइनर और इंजीनियर से बढ़ के कौन कर सकता है। लेकिन विदय ये तो आई एम सॉरी मैं बहुत कन्फ्यूज हो रही हूँ इसे देख के। जब हैवी बारिश होती है या हैवी विंड होती है तो ये पूरा कवर थोड़ी है, साइड से भी बारिश आती है, राइट? तो ये क्या मतलब व्हाट इज दिस सॉल्विंग? It actually solves it. It doesn't look, but I can explain. मैं पास से देखना चाहूँगा actually. आ जाइए। अगर बारिश हो रही है तो कैसे? हाँ। यहाँ से आएगी ना बारिश? हाँ। actually सब देखिए इंजीनियरिंग क्या actually 2 साल से टेस्टिंग भी कर चुके हैं। तो बारिश जब गिरते हैं ना उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर टेक्निकल जाए तो उसका 30 डिग्री रहता है और जो हमारा ये ऊपर का कैनपी ये आपका हिप्स तक तो कंप्लीट प्रोटेक्शन दे देगा हर किस्म का बारिश में। और जब बारिश तेज हो जाता है ना उसके लिए हमने ये एक छोटा सा एड ऑन डेवलप किया। ये क्या है? ये थाई फ्लैप्स बोलते हैं हम। थाई फ्लैप्स? थाई फ्लैप्स। इसको खोल के रेनकोट पहन लिया तो इसकी क्या जरूरत है? तो रेनकोट लोग यूज नहीं करते। अगर आप देखेंगे तो आप उतर के जब एक शेड देके फिर बैग से निकाल के पहनना पड़ेगा रेनकोट। पर ये है ना ये बाइक पे रहता है और ये पूरा आप देख लीजिए ये है। अगर फोन कनेक्ट करके दिखाएंगे आप बोल रहे थे कनेक्टेड भी है या तो उसमें तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। हमारा जो स्मार्ट सिस्टम है तो लेफ्ट साइड में एक जॉयस्टिक रहता है और राइट साइड में 2 बटन रहते हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो आप पूरा मोबाइल फोन को बटन्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिवाइस आपने खुद बनाई है या हमने खुद इंपोर्ट करी? पूरा हमने स्क्रैच से हमने खुद बनाई है। कस्टमर यूटिलिटी क्या है? तो जो फोन का स्क्रीन है ना आपका, ये हेडसअप डिस्प्ले की तरह बन जाता है। जहाँ कार पे हेडसअप डिस्प्ले रहता है ना, वो हमारा फोन एक्ट करने लग जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत पंगा नहीं है? मतलब बाइक चलाते हुए अगर मैं यहाँ ध्यान लगाऊंगा या कुछ वीडियो भी चला दिया तो वीडियो चलाने के तो ऑप्शन है ही नहीं, और जो भी है वो सेफ फीचर्स है। अगर आप स्पीड पे जा रहे हो ना तो ये दिखेगी नहीं आपको। कितनी स्पीड पे? 30 किलोमीटर के ऊपर। तो ये सब बाइक से कनेक्टेड नहीं है, ये फोन के जो कैपेबिलिटीज है उसको यूज कर रही है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, ये सैपल खरीदा तो ऐप फ्री मिलता है? फ्री। तो आपने देखा होगा कभी नया प्रोडक्ट कुछ मार्केट में लॉन्च होता है तो उसके लिए उसका परसेप्शन और एडॉप्शन बहुत सिंपल होना होता है। सैपल कोई भी आदमी इंस्टॉलेशन करने में बहुत आसान हो, खुद कर सकता है। इसीलिए पूरा 3 पार्ट्स में आता है। जो एक मेन है बेस, है बेस फ्रेम है, ये सीधा जाके आपके बाइक के टैंक के ऊपर फिक्स होता है, वो इंडस्ट्रियल स्ट्रैप्स के साथ। तो एक बार फिक्स हो गया ना, एक टैंक की तरह, यानी आपको कुछ भी हो जाए वो निकलती नहीं है। इसका मटेरियल भी हमने ऐसा यूज किया कि एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल है, यानी इसका वेट बहुत लाइट है और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और सामने वाला जो विंडशील्ड है वो पॉलीकार्बोनेट है, जो प्लास्टिक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग वाली प्लास्टिक है। और ऊपर का जो कैनोपी है, ये सबसे खास ये है कि हमारा प्रोप्राइटरी कॉम्पोजिट मटेरियल है। सबसे पहले इसकी प्राइस क्या है? हम इसको अभी प्राइस किया 10,000, जो लॉन्च के टाइम पे है। 10,000? एब्सोल्युटली, दैट्स एक्सपेंसिव। तो अभी हम प्राइस ज्यादा क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। अगर हम चाहिए तो इसको 5,000 तक बेच सकते हैं। एक बात सेल्स बता दीजिए। तो हम अब तक 1,000 यूनिट से सेल कर चुके हैं। हम लॉन्च करके खाली 7 महीने हुए उसको। सिर्फ 7 महीने हो गए? यस। लास्ट मंथ कितना सेल किया? लास्ट मंथ हमने 160 यूनिट्स सेल कर चुके हैं। खाली 160 यूनिट। मेरे को कोई बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लगा सेल का। प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्रोडक्शन लिमिटेड है, हम प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पा रहे। पिछले 3 महीने के क्या नंबर्स? जून का 10 लाख, जुलाई का 12 लाख, अगस्त का 13 लाख, तो 35 लाख हुआ है लास्ट क्वार्टर में। समझ गए। अपना वो भी बता दिए, मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, क्या आपका नेट प्रॉफिट है? 5,000 रुपीज का जो हमारा कॉग्स लगते हैं एक यूनिट बनाने का, और हमारे ग्रॉस मार्जिन इसका 37% है। और आगे जाके और 1,000 यूनिट्स का पर मंथ करने के बाद हमको 18% का, 20% का नेट मार्जिन मिलेगा। यार मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने ना बाइक चलाता था, मेरे पास होती थी पहले RX 100 करके आती थी, एक यामाहा की। तो वो ना यूं करके चलाता था ताकि वो और तेज जाए। एब्सोल्युटली। इससे तो आपकी जो स्पीड है और जो आपको कंट्रोल चाहिए अपनी बाइक पे, नेविगेशन, जो फील, वो खत्म नहीं हो जाती इससे। आपको सच में बाइक को सिर्फ फील के लिए चलाना है तो उसको निकाल के बाइक, ये हम आपके लिए नहीं, जो पर बाइक जो काम के लिए जाते हैं, बच्चों को छोड़ने जाते हैं, उनके लिए काफी यूज है। इतनी महंगी डिवाइस इतने सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और टारगेट ऑडियंस जो आपने समझाया वो बहुत बड़ा नहीं लग रहा। बट लार्जर इंडिया जो 18 मिलियन बाइक वो रूरल साइड वगैरह पे जाती है, जहाँ पर इतना महंगा डिवाइस खरीदने के लिए लोग 10 बार सोचेंगे। इसलिए मैं आज बाहर होना चाहूँगा। थैंक यू। एब्सोल्युटली। इंडिया में जो आप कॉमन मैन के लिए या कॉमन वुमेन के लिए जो बना रहे हैं और जो आप वैल्यू दे रहे हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन एंड रेन विद अ फ्यू थिंग्स ऑन योर ऐप, doesn't justify the price, and for that reason I'm not getting excited about being part of the journey. I wish you the best. Thank you. देखिए, आप दोनों में complementary skills तो है, वो तो obvious है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत सारे features आ गए। समझ नहीं आ रहा exactly problem आप क्या solve कर रहे हो, और जो आप features अभी डालने शुरू किए ना, ये मुझे लगता है OEMs खुद ही करेंगे, जो बाइक मैन्युफैक्चरर्स है ना, तो मुझे नहीं लगता आप वो मार्केट ले पाएंगे। मैं यही एडवाइस दूंगा आपको कि आपको स्कूटर्स के जरिए देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग प्रोफेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो बारिश में भी काम नहीं रुक सकता, और वहाँ पे शायद एक बिजनेस बन सकता है विद पीपल लाइक रैपिडो, स्विगी, जोमेटो। तो उस पर थोड़ा गौर कीजिए। आज के लिए मैं आउट हूँ, विश यू द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। एक तो स्टाइल फैक्टर मुझे कम लगा कि स्टाइल नहीं है। दूसरा, इंडिया ना बहुत जुगाड़ू कंट्री है। अगर ये मेरे को डिज़ाइन दिख जाए, मैं बाहर 500 रुपये में ये डिज़ाइन बनवा सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा अभी समझ नहीं आ रहा बिजनेस, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू। 4 शार्क्स बाहर हैं, मैं बाकी हूँ। मैं इंटरेस्टेड हूँ। ओके सर। मेरे 2-3 सवाल है। आपके पास कोई पेटेंट है? पेटेंट है सर, ग्रांटेड है। आपको पैसा क्यों चाहिए? अभी एक्चुअली वी रिसेंटली क्लोज द राउंड, तो उस पैसे से वी आर स्केलिंग अप द प्रोडक्शन। कितना पैसा रेज किया? हमने 2.2 करोड़ रेस कर चुके हैं। किस वैल्यूएशन पे रेस किया है? हमने 3 मिलियन प्री मनी पे रेस किया। आपके हिसाब से आपका विजन क्या है, मतलब 5 साल 10 साल में आप कहाँ देखते हैं? तो 5 साल के बाद हमें पता है कि ये हार्डवेयर है, एक सैचुरेशन लेवल हो जाएगा। हमारा की फोकस है IoT प्लेटफॉर्म। तो इसके बाद हम डेटा एनालिटिक्स करने वाले। हम अगली बार जब आप फ्यूल भरने जाओगे ना, तो आपका फ्यूल एक्सपेंस रिपोर्ट्स आपका बाइक पे आ जाएगा। अगर आप ग्रुप राइडिंग पे कर रहे हो ना, कि आप अपना लोकेशन सबके साथ शेयर कर सकते हो, तो आपको फोन पे ही जो कहाँ कौन आगे चले कौन पीछे चला गया मिल जाएगा। चलो मैं आपको ऑफर देता हूँ। मुझे ना जेन्युइनली आप बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे हो एंटरप्रेन्योर। थैंक यू। बट अर्ली स्टेज है, काम अभी काफी है। एंड कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे आते हैं जिससे लगता है कि मैं कुछ सीख सकता हूँ। यू आर वन ऑफ दोज एंटरप्रेन्योर्स। जो आप डिजाइन इनोवेशन कर रहे हैं, तो मुझे सीखने का भी इंटरेस्ट है इसमें। थैंक यू। मेरे को जेन्युइनली लगता है कि इसमें टेक का जो आप प्ले कर रहे हैं उसका बड़ा एंगल है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इन एडिशन टू द रेन प्रोटेक्शन, मेरा ऑफर 50 लाख फॉर 2%, which is similar to last round valuation. लास्ट ऑफर से लेके हमारे कंसिडरेबल बड़े बल्क में ऑर्डर्स आ चुके हैं, उसका वैल्यू यार इसमें देखो, वो जब कोई आप बड़ा 5 मिलियन 10 मिलियन का राउंड रेस करेंगे ना, तब कंपनी रिप्राइज होता है। आप यहाँ पे शार्क टैंक पे आए हैं, आप खाली पैसे के लिए तो नहीं आए, आपके पास ऑलरेडी 2.2 करोड़ है। आपको अगर लगता है कि आई कैन ऐड वैल्यू, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस रिडक्शन में, चाहे टेक्नोलॉजी टीम डेवलपमेंट करने में, चाहे इसको ग्लोबल ले जाने में। टेक्नोलॉजी तो है नहीं भाई। नहीं, टेक्नोलॉजी है। आई थिंक जो आप इंटरफेस, यूजर इंटरफेस के साथ प्ले कर रहे हैं, वो अपने आप में काम है। और अभी अर्ली शुरुआत है, राइट? कुछ करने का। आई एम बेटिंग ऑन द एंटरप्रेन्योर्स। वो तो ईवी में चले जाएगा यार, ईवी की सारी ऐप्स में जा रहा है। चलो यार, मेरा डिसीजन है, मैंने ले लिया है। ये समझते हैं टेक्नोलॉजी है, हम समझते नहीं है टेक्नोलॉजी। आप बताइए आपको क्या करना है भाई, ये नॉन नेगोशिएबल लग रहा है मेरे को। पीयूष सर, आपकी डील पक्की। एंड आई विल टेल यू there is so much we missed out and you will love the product that we have in plan. Arey, but you know, somewhere you have to bet on the entrepreneur. Yeah, yeah. Right, to leave a Stanford admission and do Thank this, you sir. Right? Thank you. Absolutely. We're really happy to onboard you. Thank you. Same here. I'm happy to be part of this and it's an early start. Thank you. Yeah. चलो इनको साथ में एक बाइक भी दे देना, इतना ही बनेगा इनका। छाता भी दे दे। Silence all of them. इनको पता नहीं है। नहीं सर, आप बहुत बड़ा प्लान से। Thank you. Best of luck. All the best guys. Thank you. Thank you sir. Thank you. We are just speechless. बहुत छोटा मार्केट नहीं है पीयूष। What you build today is will be very different than what you build tomorrow. कि मेरे को टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं देखा। UI is not equal to technology. मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा है इसमें। जो EV मैन्युफैक्चरर हैं, सारा मार्केट EV पे जा रहा है। सबने अपनी ऐप बना ली, सारे फीचर जो दिखा रहे वहाँ है। अरे आई अंडरस्टैंड, तो आपके हिसाब से पूरा हिंदुस्तान ईवी यूज कर लेगा अगले 5 साल 10 साल में। 3 साल में 50% पेनिट्रेशन है। तो देखो, प्रोडक्ट अभी बहुत अर्ली स्टेज है। पीपल वर क्वेश्चनिंग द प्रोडक्ट। मुझे लग रहा था कि कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मुझे फाउंडर्स बहुत ही हम्बल लगे, कंज्यूमर फोकस लगे, कस्टमर एम्पैथी थी, डिटेल ओरिएंटेड लगे, दे वर ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, द कॉम्बो वाज वेरी गुड, रिस्क टेकिंग लगे, पॉजिटिव लगे। तो फिर मतलब ऐसे फाउंडर को जाने नहीं देते। हेलो शार्क्स। हेलो। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी है कन्हैया की, जो चेन्नई में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहते थे, लेकिन उनके काम नहीं उनकी जान ले ली, जो सेप्टिक टैंक्स और सीवर लाइंस जैसे जहरीले एनवायरमेंट में जाकर उसकी मैनुअली क्लीनिंग करते थे। वो क्लीन करते हुए पॉइजनस गैस इनहेलर से उनकी डेथ हो गई। भारत सरकार ने 2013 में मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन कर दिया था, लेकिन आज भी ये इलीगल तरीके से जारी है। शार्क्स, 2017 से 2021 तक लगभग 330 लोगों की मौत हो चुकी है इसी प्रॉब्लम से। हमारे शहरों में एक और गंभीर समस्या है, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये है वो पाइपलाइन जिसके थ्रू आपके घरों में पानी आता है। कितना अनहाइजीनिक है ये तो हम देख ही रहे हैं। ये पाइपलाइन जो 15 सेंटीमीटर का हुआ करता था, वो अब 9 सेंटीमीटर का भी नहीं बचा है। शार्क्स, ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी पाइपलाइंस की इंस्पेक्शन या सीवर लाइन सेप्टिक टैंक की क्लीनिंग इलीगल तरीके से मैनुअली होती है। और इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालने के फोरफ्रंट में लाने के लिए हमने स्टार्ट किया सोलिनास। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं दिवांशु कुमार। मैं भावेश नारायणी। मैं मोइनक बनर्जी। और मैं हूं लिंडा। हम चेन्नई से आए हैं। सोलिनास इंटीग्रिटी एक एंड टू एंड वाटर सैनिटेशन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो क्रिटिकल पब्लिक एसेट्स जैसे पाइपलाइंस, मैनहोल, सेप्टिक टैंक्स इत्यादि की कंडीशन की जांच और सफाई करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के जरिए। हमारा पहला प्रोडक्ट होमोसेप एक सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट है जिसकी मदद से किसी भी सफाई कर्मचारी को सेप्टिक टैंक के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का दूसरा प्रोडक्ट का नाम है एंडोबॉट, जो कि सीवर और वाटर पाइपलाइन इंस्पेक्शन रोबोट है। जनरली म्यूनिसिपैलिटीज हर जगह गड्ढा खोद के इंस्पेक्शन करता है, लेकिन अभी इसका जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग का रोबोट इंश्योर करता है कि इंस्पेक्शन टाइम 10 गुना कम हो और पानी और पैसे का बचत हो। हमने अपने प्रोडक्ट्स को 2020 में लॉन्च किया था। इन 2 सालों में हमने कई शहरों के साथ और कुछ इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप की है। हमारा मानना है कि किसी भी शहर की नींव होती है उसके पाइपलाइन और सैनिटेशन सिस्टम। इसलिए हमारी कंपनी का विजन है कि भारत के सभी शहरों की वाटर एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना और सिटीज को स्मार्ट बनाना। और शार्क्स, इसलिए हमारी आज के आज 90 लाख इन एक्सचेंज फॉर 2% ऑफ द इक्विटी ऑफ द कंपनी। लेट्स मेक एवरी सिटी स्मार्ट विद सोलिनास। वंडरफुल, थैंक यू। बहुत ही अच्छा कॉज चुनाया आपने और आप चारों का शार्क टैंक पे स्वागत है। वंडरफुल। तो पहले आप चारों के बारे में बताइए, कहाँ पढ़े और फिर ये आइडिया कैसी आई? मैं गया बिहार का रहने वाला हूँ। वहाँ से मैंने 10वीं तक पढ़ाई की। मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना था, तो इसके लिए फिर IIT मद्रास आया और फाइनल ईयर में फिर मैंने मेरा प्रोजेक्ट था होमोसेप विद माय प्रोफेसर इज आल्सो को-फाउंडर। उनके साथ हमने ये शुरुआत की। और आप तीनों का बैकग्राउंड? मेरा नाम भवेश नारायणी है, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। बचपन में एक स्कूल से निकाल दिया गया था, तो उस दिन मैंने सपना बनाया था एक दिन मैं बड़े स्कूल में पढ़ूंगा। इस वजह से मैं IIT मद्रास में मास्टर्स की पढ़ाई करने गया। फिर मैंने दिवांशु और प्रोफेसर को देखा कि वो कैसे लोगों की जान बचा रहे हैं एक रोबोट के थ्रू, तो मैंने भी उनको फिर 2019 में ज्वाइन किया। आज मैं मतलब ऐसा प्रोडक्ट हेड हूँ सैनिटेशन डिपार्टमेंट का सोलिनास में, ऐसा को-फाउंडर हूँ। और मैं मोइनक बनर्जी, मैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं मेरा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई से ही किया हूँ। करंटली मैं वाटर सेक्टर का जो कंप्लीट टेक्नोलॉजी है वो मैं देखता हूँ। लिंडा, आप बताइए। आई एम फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु। सो आई डिड माई बीटेक इन मैकेनिकल फ्रॉम SRM and then I came across Solinas, so I manage all the R&D projects and I also take care of general management of the company. ये तो amazing। आप देखो, बोध गया, दुर्गापुर, ग्वालियर, चेन्नई। देश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देश हर जगह पूरा मतलब नेशनल इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट लग रहा है। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जब मैं कर रहा था तो फर्स्ट 3 मंथ्स तो ऐसा ही था, मतलब वॉइस ये कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करके निकलना है फिर। हाँ। लेकिन फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कुछ सैनिटेशन वर्कर्स की एक टीम थी जिनके साथ हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था। जब हमने उनको प्रेजेंट किया तो वो सॉल्यूशन पे सब लोग हंस रहे थे। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि भाई हमने इतनी मेहनत करके ऐसा सोचा है, आप क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने बोला कि तुमने कभी सेप्टिक टैंक देखा भी है क्या? हमारे नेल्स देखो, वो बाहर आ रहे, पूरा स्किन हमारा खराब हो चुका है क्योंकि हमें अंदर जाना पड़ता था। जब मैंने देखा उस चीज को तो मुझे लगा कि एक श्योर शॉट चांस तो लेना है कि अच्छे से मतलब मेहनत करके बनाएंगे कि क्या कर सकते हैं। सेप्टिक टैंक मतलब क्या? वेस्ट क्या होता है सेप्टिक टैंक? जो इंसानों की लेट्रिन पेशाब होती है वो जाकर सेप्टिक टैंक में कलेक्ट होती है। तो इस तरह का एक मतलब हमने सेप्टिक टैंक बनाया हुआ है। अच्छा जी। रियल जो इंसानों की लेट्रिन होती है वो नीचे ऐसे जमा हो जाती है, फिर हमारी पेशाब और इसका मिक्सचर होता है और ऊपर आके एक क्लोट करते हैं। तो इस लेयर को और इस लेयर को निकालना पंप से मुमकिन है, लेकिन इस लेयर को निकालने के लिए इंसान इस मैनहोल से नीचे जाया करता था। जो ये प्रॉब्लम है ये तो बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। ग्लोबली भी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई होगी। तो वेस्ट में सेप्टिक टैंक्स के लिए सुपर सकर मशीन का यूज होता है जो कि अपवर्ड्स ऑफ 3 से 4 करोड़ की कॉस्ट होती है। वो इंडिया में भी है हमारे पास, लेकिन आप ये सोचिए देखिए कि जो विलेजेस है हमारे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उस चीज को। मतलब कुछ है करेक्ट, सक्शन मशीन्स हैं अवेलेबल बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और जो छोटी मशीन्स अवेलेबल है जो 15-20 लाख के अवेलेबल हैं वो बस टॉप वाला पार्ट क्लीन करते हैं, जो बॉटम का आपका हार्ड स्लज है वो रह जाता है। एक बार मैं आपको बस प्रोडक्ट्स के बारे में बता देता हूँ ये है क्या चीज। हमारा जो ब्लेड है वो फोल्डेबल है, मतलब ओपन और क्लोज हो जाता है। और एक मल्टीपल ब्लेड सिस्टम है जो हमारी लैब में 5 से 6 साल की रिसर्च में बनाया गया है, जो डीपेस्ट जो हार्डेस्ट स्लज है उसको मिक्स कर सकता है। फिर ये पूरा सिस्टम हमारे पास एक रिमोट जॉयस्टिक है जिससे आप पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। और सारा डाटा में हम एक कैमरा, एक एक्स्ट्रा एसेसरीज देते हैं अगर आप पूरे घर बैठे बैठे इस पूरे मिक्सिंग को देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं अपने आईपैड्स में। तो ये आप देखिए जैसे ये स्मॉल मैनहोल है। अच्छा, तो ये ट्रैक्टर के साथ जो अंदर जा रही है आपकी मशीन, सेम ट्रैक्टर में जो हमारा दूसरा वर्जन है वहाँ पर एक सक्शन पंप अटैच होता है और हमारे पास एक सिस्टम है थ्रू विच बिना मैनुअल इंटरवीन किए हुए अपने आप रिमोट से वो सक्शन पंप अंदर जाएगा और क्लिक ऑफ अ बटन सक्शन पंप जो है वो पाइप से थ्रू जो है एक टैंक में पूरा स्लज ट्रांसफर कर देगा। आपके 3 प्रोडक्ट हैं? हाँ, 2 हार्डवेयर और 1 सॉफ्टवेयर। होमोसेप इज फॉर क्लीनिंग दी सेप्टिक टैंक्स, यस, और दूसरा एंडोबॉट। एंडोबॉट क्या करता है? हम लोग एक सीरीज ऑफ रोबोट बनाए हैं जो 9 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर जो इंडिया में लगभग इस साइज का पाइपलाइन होता है वो उसका अंदर जाता है और उसका अंदर का कंप्लीट डेटा कलेक्ट करता है। डेटा मतलब जो विजुअल फीड है वो छोड़ के एक्स्ट्रा डेटा लाइक पाइपलाइन का इंक्लिनेशन क्या है, पाइपलाइन के अंदर का टेम्परेचर क्या है, ये जो डेटा है मतलब इनसाइट क्या मिलती है, केल चार्ट्स बन जाते हैं या कुछ पता लगता है कि लीकेज यहाँ है, वो व्हाट इज द फाइनल आउटपुट? मेरा डैशबोर्ड बताएगा उनको कि एग्जैक्टली 73.5 मीटर पर लीक है, कंटेमिनेशन है, ट्री रूट है। वाओ, हमने रेंज ऑफ रोबोट्स बनाया है जो कि स्मॉलर पाइपलाइंस के लिए है, मिड रेंज पाइपलाइंस के लिए है और बिगर पाइपलाइंस के लिए है। कोई पेटेंट्स फाइल किए हुए हैं? हाँ, होमोसेप में हमारे पास 4 पेटेंट्स फाइल किए हैं, 2 डिजाइन पेटेंट्स ग्रांटेड हैं, 2 पेटेंट्स अभी और एंडोबॉट में पेटेंट्स अभी हम फाइल कर रहे हैं। तो आपकी इक्विटी स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलर है? नहीं, इक्विटी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्या क्या है? तो आई होल्ड मेजॉरिटी ऑफ द इक्विटी 32.5% और इनकी है अबाउट 8.5%, इनकी 5.5% और इनकी 2.5%। बाकी का जो आईटी के प्रोफेसर है, जो हमारे को फाउंडर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके पास अबाउट 20% है और उसके अलावा जो अभी हमने इन्वेस्टमेंट वगैरह भी रेज की है। अच्छा, उनमें कहाँ से रेज किया? हमने 3 महीने पहले अपना सीन राउंड क्लोज किया है। कितना रेज किया था? 4.2 करोड़। उस समय हमारा पोस्ट मनी वैल्यूएशन था 26 करोड़। ये कितने की मशीन आती है? ये टू आंसर योर क्वेश्चन, ये मशीन 15 से 25 लाख तक की होती है, सारे एक्सेसरीज एडवर्ट करने पर। एंडोबॉट का जो बिजनेस मॉडल है वो सर्विस बेस्ड है। इसमें हम जनरली म्यूनसिपैलिटीज़ को या फिर कुछ इंडस्ट्रीज ऑल्सो जिसका रियल एस्टेट काफ़ी बड़ा है, उनके खुद के अंडरग्राउंड सीवर वाटर पाइपलाइंस है, उनको भी कैटर करते हैं। तो लास्ट ईयर हमारा जो टोटल सेल था लगभग वो कस्टमर रेवेन्यूज अराउंड 1.2 करोड़ की थी। इस साल हमारा जो ARR है वो लगभग 5 करोड़ का है। इस 5 करोड़ को एक बार तोड़िए आप, कितना रिकरिंग है और कितना वन टाइम मशीन बेचने का? तो होमोसेप का जो बिजनेस है लगभग वो 3-3.25 करोड़ के आसपास का हमारा ये है और उसके बाद एंडोबॉट सर्विसेज से हमारा लगभग 2 करोड़ का मतलब जो ये रेवेन्यू आएगा। तो 3.25 करोड़ रुपए की जो मशीनें बेची उसमें कितना अपने घर पे पैसा बनाया? ग्रॉस मार्जिन लगभग हमारा जो है 60% का, वो लगभग 1.8-1.7 करोड़ का बनेगा। और ये 2 करोड़ का जो सर्विसेज रेवेन्यू था उसमें कितना अपना मार्जिन होता है? सर्विसेज में भी हमारा 55 से 60% का ग्रॉस मार्जिन होता है। मार्केट साइज कितना है भाई, मतलब ये टोटल कितना हम लोग बेच सकते हैं, मतलब कितनी मशीनें बेच सकते हैं आपके व्यू? जनरल जो ग्लोबल मार्केट है वो लगभग $6 बिलियन का हम देखते हैं, इंस्पेक्शन एंड इनलाइन इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग मार्केट। और इंडिया में लगभग फिर मैं अगर उसका मतलब 10% पे अगर 20% जो मानो जो कि इंडिया का हमारा बिग मार्केट है तो अबाउट 1.2-1.5 बिलियन का होगा। नो 6 बिलियन आपका अगर ग्लोबल मार्केट है तो इंडिया का 10% भी नहीं होगा। वॉल्यूम टर्म्स में शायद 20% हो, लेकिन वैल्यू टर्म्स में 10% से भी कम होगा। ठीक है, अभी एक सवाल है मेरा बहुत जरूरी। आप जनरली स्पीकिंग और आगे भी चल के मुझे लगता है आपका मेन रेवेन्यू आएगा म्यूनिसिपैलिटी और गवर्नमेंट से, कि उसको आप कैसे हैंडल करोगे? हम म्यूनिसिपैलिटी के साथ एक विन-विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो उसके इंजीनियर्स हैं। कि आपके पास अभी 2600 किलोमीटर का पाइपलाइन नेटवर्क है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि रेगुलरली कहां पर पाइपलाइन चेंज करने की जरूरत है क्योंकि वहां पर पाइपलाइंस खराब हो रही हैं, आपको इतनी ज्यादा डिग्रेड करने की जरूरत नहीं है, तो काम भी बढ़ेगा। मेरे को आपसे मिलकर बहुत ही मजा आया। आप 4 यंग बच्चे पूरे भारत के अंदर सपोर्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। मेरे को कॉज भी बहुत पसंद आया। बाकी प्रोडक्ट की इनोवेशंस जो हैं वो क्लियरली इंडियनाइज्ड है, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। मैं और नमिता मिलकर दे रहे हैं इस ऑफर को। Thank you. We'll stick to your previous round valuation, which is 26 crores. We'll give you total 90 lakhs at your ask. 90 लाख आपको देंगे पूरे, 52 लाख इन इक्विटी और 38 लाख इन डेट। डेट 10% पे होगा, 4% की इक्विटी बैठेगी जो हमें आपसे चाहिए। सॉरी 2%। First of all, thank you so much for the offer. I would also want to hear from other Sharks if there. लास्ट फाइनल क्वेश्चन फिर आपको बताते हैं। आज आपका रेवेन्यू आपने कहा इस साल 5 करोड़ होगा। सेप्टिक क्लीनिंग से कितना आएगा उसमें? 3 से 3.25 करोड़। ये बिजनेस कितना बढ़ सकता है? आराम से 100-150 करोड़ हम लेके जा सकते हैं। और इसमें आज की तारीख में Who is the biggest competition और उसका साइज क्या है? अभी जो हमारे बिगेस्ट कॉम्पिटिटर जो होगा वो होगा कामोविडा। उनका रेवेन्यू अपवर्ड्स ऑफ 200-500 करोड़ होगा। 200 to 500 करोड़। हाँ। मेरे को क्या लगता है ना, आपके बिजनेस में सबसे बड़ा है आपको पार्टनर्स बनाने पड़ेंगे। आप देखिए हिंदुस्तान में ड्राइविंग को देखिए, जो ट्रांसपोर्ट है, जब रोजगार बना तो चाहे फूड डिलीवरी है, चाहे वो राइड शेयरिंग है, सब चल गया, राइट? तो भारत की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इज माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनाना। आपने टेक्नोलॉजी बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया, पर अगर आपको जेन्युइनली इम्पैक्ट क्रिएट करना है, आपको इस सोल्यूशन को विद ट्रैक्टर कॉस्ट एक ऐसा अफोर्डेबल सोल्यूशन बनाना पड़ेगा जिसमें हो सकता है कि कल को जाके लोन भी आप ही को देना पड़े, बिकॉज इसके लिए कौन लोन देगा? इसकी अंडरराइटिंग नहीं होगी, इसकी अंडरराइटिंग नहीं होगी, तो हो सकता है उसकी अंडरराइटिंग आपको करनी पड़ेगी। तो आपको एक ही तरीका है, आपको इसको बहुत अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, देयर इज नो चॉइस। और जितना भी इंसान को लगता है कि इससे कम नहीं हो सकता, हम इंजीनियर्स बने इसलिए कि इससे कम हो सकता है। तो प्रोवाइडेड यू कैन फोकस ऑन इंडिया, मैं और अनुपम आपको ऑफर देते 90 लाख आपके प्रीवियस राउंड के वैल्यूएशन पे, फुल इक्विटी, 3.34% आएगा आई थिंक, अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यूएशन दोनों के सेम है जो हमने दिए 26 को, और हमारे में इक्विटी कम जाती है आपकी। देखो, मेरा भी बैकग्राउंड आईआईटी से ही है और मैंने काफी समझता हूँ आप क्या बना रहे हो। पीयूष ने बोला फाइनेंसिंग वाला पार्ट, तो अपन लोग ने एक फाइनेंसिंग का काम भी करते हैं। हम लोग का मार्केट प्लेस है जिसमें 500 करोड़ की लेंडिंग करते हैं पर मैं वी शुड गो अबाउट दैट, उसमें आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता हूँ मैं। थैंक यू। लेकिन भाई हम लोग रहेंगे नहीं तो आपको आइडियाज कौन देगा ये फाइनेंसिंग की? भाई साहब वो फिर आना पड़ेगा इनको हमारे पास, दूसरी आइडिया दो। अनुपम को पास कोई आइडिया होता तो कुछ और भी करता ना लाइफ में। मैं 4 कंपनी बना चुका हूँ, इन्होंने केवल इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर मिलते भी नहीं है, अपनी कंपनी से मिलते भी नहीं है। तो भाई जिसको कोई नहीं जानता ना उसको छाती ठोक के बोलनी पड़ती है, मैंने 4 कंपनी बनाए। पर्पस कॉज अच्छी है, जहाँ पर्पस कॉज का वर्ड आता है ना ये चारों डूब जाते हैं। आपके पास मेंटर्स भी हैं, आपके पास पैसे भी है, तो आपको और क्या चाहिए? मैं आउट हूँ अभी, बट मेरे को मजा आ रहा है। एक प्लस पॉइंट है कि जिन इन्वेस्टर के साथ हमने टर्म शीट साइन किया था, अभी 6 महीने पहले राउंड क्लोज किया है, अगर हम सेम वैल्यूएशन पे आएंगे तो आई थिंक इट विल बी अनफेयर टू देम। उनको प्रॉब्लम होती है अगर हम आपको डी वैल्यू। आपके पास काउंटर है, इफ यू कैन हैव अ मिडिल ग्राउंड, 2% एट 33 करोड़ वैल्यूएशन, 66 लाख। किसको दे रहे हो ऑफर? नहीं, ये ऑफर मतलब अभी ये पीयूष के लिए भी है और ये हम डेट नहीं लेना चाहते। चलो एक काम करते हैं, 3% पे कर दें। हम डेट इक्विटी स्ट्रक्चर दे रहे हैं। उन्हें डेट नहीं चाहिए, आपको डेट चाहिए? नहीं चाहिए, डेट नहीं चाहिए, डेट नहीं चाहिए। इक्विटी की कोई डील है? गाइस 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 हैंग ऑन, इट्स अ शार्प फाइट, दीस टू आर रेडी टू गिव यू इक्विटी डील। यार मैं एक चीज क्लियर करता हूं दिव्यांशु, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर एनी नेगोशिएशन। इफ यू वांट मी and Anupam as a partner, then we are keen. Correct. I absolutely want to. ये valuation बिठाने का मंच नहीं है। अगर आपको वो करना है तो बेस्ट आपके लिए रहेगा, आप डेट ले लीजिए। आपके पास कोई काउंटर है? बिल्कुल है, बिल्कुल। चलिए हम बाहर हो जाते हैं, आई थिंक। चलो प्लीज मतलब हम आपके ऑफिस, हमें बस और नो करो यार। अच्छा आपको एक देखने, आपको मेरे से ऑफर चाहिए ना, मेरे नमिता से चाहिए? नहीं चाहिए आपको, ये उधर चाहिए तो हम बाहर हो जाते हैं। नहीं चाहिए तो बोल दीजिए, वी आर कीन टू वी आर आउट। आप इनसे लीजिए, आपको उनके साथ काम करना है, नहीं करना। आप इनसे ले लीजिए, तो वी आर आउट। नाउ यू हैव ओनली वन ऑफर, Peyush and Anupam will take the deal. Good. Okay. Congrats guys, very happy. I'm happy you got a deal. मेरी आपसे बहुत रिस्पेक्ट है, मेरी शादी का। All right. अरे meet one of our success stories. He met his wife through शादी। अब तो डील करनी थी। ये पहले बता देते तो 0.1% और कम कर देते, डिस्काउंट ऑफ देते। Good job guys. Good job. Let's describe and let's scavenge. आज शार्क एक्सपीरियंस में सतना से मधु का सवाल है। पीयूष, मैं यूएस में पढ़ाई करके जॉब कर रही हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं इंडिया आ जाऊं, क्या मेरा जॉब से रिजाइन करके इंडिया वापस आकर बिजनेस शुरू करने का डिसीजन सही होगा? अगर आपके पास कोई क्लियर विजन है कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये डिसीजन बहुत बढ़िया होगा, बिकॉज यूएस में भी प्रॉब्लम्स हैं पर इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपके पास क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इंडिया हैज अ लॉट ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल। अगले 10 साल में जो इंडिया में होगा वो कहीं वर्ल्ड में नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर 1.2 बिलियन पीपल, वी हैव टन्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वी हैव अ लॉट ऑफ होप, वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट। शॉर्ट टर्म मत सोचो, बड़ा सोचो और कुछ बड़ा करो यहाँ के यार।